हेलो फ्रेंड, दिस इज कुलदीप हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दैट मींस इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दैट इज ईसीजी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईसीजी। लेट्स स्टार्ट, आइए देखते हैं ईसीजी एंड ईकेजी। सर, ईकेजी क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इन जर्मन इंग्लिश की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, जो कार्डियो वर्ड है ना, उसको हम लिखते हैं के से, कार्डियो, राइट। दैट्स वाई ई सी जी एंड ई के जी क्या है, इसमें हम हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट, हर्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको उसकी स्टडी करते हैं कि किस तरीके हमारा हर्ट पंप कर रहा है ब्लड को, राइट। देखिए, द इलेक्ट्रोड कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट टू साइड्स ऑन द बॉडी। पोटेंशियल डिफरेंसेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन होती है आपकी ईसीजी का फुल फॉर्म, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन ये होती है कि सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारा जो है वो रिकॉर्ड है या मशीन, तो वो क्या होता है, मशीन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये रिकॉर्ड होता है। मशीन तो आपने सबने देखी होगी टीवी में, है ना, मूवीज में, या आपने कभी गए होंगे आप हॉस्पिटल वगैरह तो वहाँ देखा होगा हमने। रिकॉर्ड की बात करें, हमारे पास एक पेपर होता है ग्राफ पेपर जैसा, और वहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, ऐसे वेव चलती रहती हैं, राइट। इसको हमने बोला है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम रिकॉर्ड है, ग्राफ मशीन है, राइट। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड टाइमिंग ऑफ द ईसीजी वेव्स आर ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एसोसिएटेड विद ईच हर्ट। मतलब सर, क्या मतलब है डीपोलराइजेशन का और क्या मतलब है रीपोलराइजेशन का? तो एक बात समझ लेते हैं हम जल्दी से। यहां पर देखिए, हमने बोला कि ए पॉइंट है कोई और ये बी पॉइंट है हमारे पास, ये दोनों दूर दूर हैं, पोल्स पे हैं। अगर दोनों ये पास पास आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि ये क्या हो रहे हैं, डी पोल हो रहे हैं, अपने पास अपने पोल से हट रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डी पोलराइजेशन, पास पास आ रहे हैं। अच्छा, पास पास आने के बाद वापस जा रहे हैं, इसको बोलेंगे कि ये क्या हो रहे हैं, वापस से रीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डी पोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, क्या मतलब हुआ इसका, कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन, रिलैक्स होना, या इसी को बोलते हैं कि स्टेज ऑफ डायस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन को बोल सकते हैं स्टेज ऑफ सिस्टोल। अभी इसका यूज होगा हमारे पास। देखिए कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, देखते हैं हमारे पास हर्ट में एक्टिविटी कैसे होती है। देखिए, एक होता है एसए नोड, एक होता है एबी नोड। व्हाट द मींस ऑफ एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड कहाँ होता है, राइट एट्रियम में होता है सर, राइट अपर कॉर्नर पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम में होता है, अपर कॉर्नर पे, जहां पर हमारी सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। इसको बोलते हैं पेस मेकर, क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर बोलते हैं। व्हाई इट इज पेस मेकर, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कौन करता है, दैट एसए नोड, ये एसए नोड ही है जो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ओके, जनरेट कर दिया। सेकेंड स्टेप में देखिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद नोडल टिश्यूज की हेल्प से ये कहां जाएगा, फिर ये पहुंचेगा एवी नोड के पास, कहां पहुंचेगा, एवी नोड, क्या होता है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास पहुंच जाएगा और वहां से हमारे जो एवियन बंडल है और बंडल ऑफ हिस है, वो जाके बाइफर्केट हो जाएगा किसमें, लेफ्ट और राइट में, और उस एक्शन पोटेंशियल को कहां भेज देगा, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। पहले स्टेप में क्या देखा हमने, यहां पर हमारे जो एट्रिया हैं वो क्या हो रहे हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये
कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी को बोलेंगे सिस्टोल ऑफ एट्रिया, इसी को बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डीपोलराइजेशन ऑफ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ सर? मैसेज हमारा कहां पहुंच गया? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की वॉल के पास पहुंच गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा? हमारे वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल हमारा क्या हो जाएगा सर? सिस्टोल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या है? ऐसे नोड डीप्लाइज हुआ मतलब सिस्टोल हुआ अट्रिया का। सेकंड देखिए, मैसेज पास हुआ कहां पर? एवी नोड के पास। किसके थ्रू? इंटर नोडल पाथवेज, मतलब जो नोडल टिश्यूज हैं नोडल टिश्यूज की हेल्प से। और वहां से मैसेज कहां जाएगा? एवियन बंडल से होता हुआ वो जाएगा वेंट्रिकल के पास और उसको पंप करवाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर आया, ये डिवाइड हो गया। एवी नोड से कहां पर आया? हमारे पास एवियन बंडल के पास। एवियन बंडल से डिवाइड हो गया, एक गया है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। एक गया है किसके पास? राइट वेंट्रिकल के पास। ये देखिए ये आ गया हमारे पास, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला पार्ट देखिए। तो ये क्या करेगा अब? ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसको बोलेंगे क्या? वेंट्रिकल सिस्टोल, या इसी को हम क्या बोल रहे थे? डीपोलराइजेशन। क्या बोल रहे थे? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या हो गया हमारे? डीपोलराइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाएंगे। जो हमारे वेंट्रिकल है वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स का मतलब में क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा उसमें? रीपोलराइजेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास पीकी वारिस्टी क्या होता है। देखें आपके सामने, ये हमारे पास है वेव्स, ये हमारे पास पी वेव, ये हमारे पास क्यू आर एफ कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या है? क्यू आर एफ कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या है? टी वेव। तो पी वेव में क्या होता है अभी देख लिया हमने, क्या? सिस्टोल ऑफ एट्रिया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। मैसेज कहां पहुंच जाएगा? वेंट्रिकल के पास। अब तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? क्यू आर एस में क्या होगा? देखिए जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वेंट्रिकल जो होंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे सिस्टोल। वो क्या करेंगे? सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है अगर हमारा, इसको बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? डीपोलराइजेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टी वेव में क्या होगा? टी वेव में आप देखें ध्यान से, टी वेव में क्या होता है सर? वापस से जो वेंट्रिकल हमारे रिलैक्स जाएंगे, वेंट्रिकल गोज बैक टू नॉर्मल कंडीशन, दैट मींस ये हो जाएंगे रिलैक्स। रिलैक्स को बोलते हैं क्या? डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायस्टोल बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं क्या? रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रीपोलराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसी को एक्सप्लेन किया गया है, अभी बता दिया। पी वेव क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। की बात क्या होता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का क्या होंगे? वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और टी वेव में क्या होगा? रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी? कंप्लीट ईसीजी की बात हो गई है। अभी हमने ईसीजी कंप्लीट कर लिया है, होप सो आपको समझ आया होगा। एक बार आपकी एनसीईआरटी बुक से, एक बार एनसीईआरटी बुक से आप रीड कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर।